हेलो ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि गीले हाथ कहाँ नहीं लगाने चाहिए, चिकने हाथ कहाँ नहीं लगाने चाहिए। ये वीडियो बहुत काम की है और आप जब इसको देखेंगे पूरा तो आप वाकई में कहेंगे कि दीदी आपने ये जानकारी बहुत सही दी है। तो चैनल पर बने रहिए और आगे देखिए मैं क्या बताती हूँ आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन भी दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो आप डालूँगी, मैं वैसे 2-3 वीडियो डेली डालती हूँ तो आप देखते ही होंगे वो वीडियो, तो आपको मतलब एंटरटेन करेगी और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। आप उससे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो पूरा देखें और आपने काम की बात आप जानिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। हमें अपने गीले हाथ सोच समझ के लगाने चाहिए कि किस जगह गीले हाथ लगाने से क्या रिज़ल्ट मिलता है और क्या गलत हो सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आपको जानकारी रखनी है। सबसे पहली बात, बारिश के मौसम में खंभों से दूर रहें, बिजली के तार से दूर रहें। कूलर में भी अगर आप पानी भरते हैं तो कूलर में भी पानी भरते समय सावधानी रखें कि करंट वगैरह नहीं आ जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में करंट आम समस्या होती है और इससे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कुछ चीज़ें जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। करंट का तो आपको ध्यान रखना ही है, बिजली का स्विच में भी कई बार करंट आ जाता है। गीले हाथ से स्विच ऑन नहीं करें, लाइट वगैरह नहीं जलाएं। इसी प्रकार से नमक को कभी भी गीले हाथों से नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। और जब नमक गीला हो जाता है तो बेकार हो जाता है, तो नमक को डिसॉल्व कर देना चाहिए या नाली में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नमक जो होता है बहुत पवित्र होता है, तो उसको आपको मिट्टी में गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपके हाथ में तेल लगा है तो आप सोच समझ के काम करिए, क्योंकि तेल यानी चिकनाई, और चिकनाई किस जगह पर लगानी है या नहीं लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी धुले हुए कपड़ों पर तेल नहीं लगाना चाहिए। आपको दाल हो या आटा हो, इनमें भी गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए और तेल वाले हाथ भी नहीं लगाने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सूजी या मैदा में लटें पड़ जाती हैं, ये मॉइस्चर के कारण होती है और गीले हाथ लगने की वजह से उसमें फंगस भी आ जाती है, दालों में फंगस भी आ जाती है। तो दालों को बहुत सावधानी से प्रयोग में लेना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ जो अनाज के भंडारण से संबंधित है उसको सावधानी पूर्वक प्रयोग में लेना चाहिए। अगर आप गीले हाथ कोई मिर्ची पे लगा देते हैं, धनिए पे लगा देते हैं, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो पिसने में दिक्कत करती है। तो आप भूल कर भी गीले हाथ इन चीज़ों पे नहीं लगाएं। गीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके कपड़ों में नमी है तो उनको प्रेस करके ही आपको धारण करना चाहिए। कई लोग अंडरगारमेंट मॉइस्चर वाले पहन लेते हैं, गीले हल्की सी नमी होती है और उनको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें खुजली वगैरह का डर रहता है। और गीले अंडरगारमेंट पहनने से आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली वगैरह हो सकती है, जो कि बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और परामर्श संबंधी सलाह आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे से परामर्श लेते हैं या मेरे हस्बैंड से परामर्श लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करना पड़ेगा। ये सर्विस चार्जेबल होती है। मेरे हस्बैंड रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर हैं और लामा फेरा करते हैं। मैं ज्योतिष पर काम करती हूँ, मतलब जन्मपत्री देखती हूँ। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। पामिस्ट्री भी करती हूँ और वास्तु दोष भी देखती हूँ। तो इन सब चीज़ों को मतलब हमसे संपर्क करें और लाभ उठाएं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।